हेलो दोस्तों, मैं शिष्य धटी इसकर्ण यूएस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये हाईब्रिड पौधा है, बिल्कुल ख़राब हो गया था। अभी इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, आज 10 जून है, सुबह मैं 8 बजे वीडियो बना रही हूँ, 8 AM हो गए हैं मॉर्निंग के। और दोस्तों, मैं पूजा करने आई, सोचिए थोड़ा वीडियो बना लें फूल तोड़ने। अभी मैं वीडियो भी नहीं शेयर कर रही थी क्योंकि पौधों की हालत हमको बचाने में लगा हुआ था, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रीन नेट बिल्कुल नहीं है। इतनी हवा चलती है कि कोई भी कपड़ा लगाओ, कोई ग्रीन नेट वगैरह लगाओ, सब फट जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो मैंने ही बिल्कुल खुले आसमान के नीचे इसको रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल खुला आसमान है, और फिर भी पौधे बिल्कुल देसी। हाईब्रिड की तो कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, तो हाईब्रिड में भी देखिए सुधार हो रहा है, और कलियां इस तरह की बिल्कुल झड़ जाती हैं। कली अगर बनती भी है तो खिलने से पहले ही झड़ जाती है, और पत्ते पीले पड़ गए थे, और इस तरह के पत्ते पीले पड़ के और ऐसे झड़ने लगे थे, बहुत सारा झड़ गया था। लेकिन मैंने उस दो जो फर्टिलाइज़र डाला है उसको मैंने दो बार डाला, तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। मैंने फर्टिलाइज़र शेयर भी किया है, ये देखिए। और देसी में भी बिल्कुल छोटे साइज़ के फ्लावर हो रहे थे और बहुत कम खिल रहे थे, और पत्तियाँ पीली पड़ जा रही थी। तो देसी तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, आप देख रहे होंगे कि ढेरों फ्लावर और कलियों से भरा हुआ, पत्ते भी बिल्कुल चमकदार हैं। इस 10 जून में तपती गर्मी में, जो कि 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, और वो भी टेरिस, जब टेरिस तपती है तो लगता है कि पौधे बिल्कुल जल जाते हैं, शाम तक मुरझा जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फूलों से भर गया है, और ये हाईब्रिड है। ये भी इसमें भी जैसे फ्लावर बहुत घुसते थे, अब उतना ढेर सारे फ्लावर नहीं है, फिर भी इसमें भी ढेर सारी कलियां हैं। पहले थोड़ा लग रहा था कि कुछ पानी भी ज़्यादा हो गया था, और गर्मी कारण लग रहा था पौधा ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैंने दो बार जल्दी जल्दी इसको 8-8 दिन में फर्टिलाइज़र दिया है, तो इसमें भी बहुत सारा सुधार हो गया है, ढेर सारी कलियाँ आ गई। फ्लावर अभी खिला नहीं है, खिल रहा है, और देसी तो बहुत ही सुंदर है। और दोस्तों, तो इसमें मैंने क्या केयर किया है कि जो शाम के वक्त मैं इसमें फोलियो स्प्रे कर देती हूँ, बिल्कुल ठंडे पानी से इनको नहला देती हूँ। बोर चालू रहता है तो मैं इसमें नहीं है बोर, नॉर्मल पानी से ही आप इनको नहला दें शाम के वक्त। सुबह बिल्कुल पानी न दें, सुबह दें तो 7 के पहले कोशिश करें, 7 के बाद पानी न डालें। मैंने एक आध दो बार पानी डाल के गलती भी किया था, पौधे जल जाते हैं। तीसरा है कि आपके पास अगर ग्रीन नेट नहीं है तो इनको यहाँ वहाँ जगह पर रख दें कि जहाँ सिर्फ 3 घंटे की धूप आती हो, यानी 10 बजे 6 से 10 तक की ही धूप में रखें हाईब्रिड को। देसी तो चल जाता है, देसी यहाँ देखिए 2 बजे तक, बिल्कुल 2:30 बजे तक धूप आती है, 2 से 2:30, इतनी ज़्यादा धूप आती है। 2:30 के बाद जब सूर्य भगवान इधर पश्चिम तरफ चले जाते हैं, और इधर मेरी ये देखिए दीवार है, तो नहीं आती है। फिर जब 4 बजे एकदम पश्चिम तरफ चले जाते हैं तो 4 बजे से फिर धूप आती है, 2 घंटों की इनको मोहलत मिल जाती है। लेकिन यह है कि मैंने जो फर्टिलाइज़र डाला है तो देसी में पानी और धूप सहने की क्षमता होती है, अगर ओवर पानी भी हो गया है और ज़्यादा धूप भी लग गई है तो थोड़ा सहन कर लेता है, उतना वो भी नहीं करता, लेकिन हाईब्रिड की अपेक्षा उसमें ज़्यादा सहने की क्षमता होती है टेम्परेचर। लेकिन हाईब्रिड की कंडीशन इतना धूप नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो इसमें भी तो सुधार हो रहा है। लेकिन जो पौधे मैंने 2 नीचे रख दिए हैं अपनी बालकनी में, उनमें बहुत ही अच्छी कलियां बनी हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, सेम देसी गुड़हल के जैसे। तो और इसको मैं अभी नहीं ले जा पाई हूँ, ये बहुत बड़ा पॉट है और पौधा पुराना हो गया है, तो यहीं रखा, तो इसकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। हो तो रहा है सुधार, देखिए वो जो फर्टिलाइज़र डाले हैं, लेकिन उसमें भी वही फर्टिलाइज़र डाले हैं, तो बालकनी में रखा, उसमें बस 3-4 घंटे की धूप मिलती है, तो उस इससे अच्छा रिजल्ट है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, और फर्टिलाइज़र मैंने क्या डाला है वो भी बताऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा उस फर्टिलाइज़र को डालने से। और ये देखिए मैंने क्या, जो ये ऊपर खुले आसमान में रखे थे, तो मैंने यहाँ पोर्च में ये 2 पौधे रख दिए हैं, छोटे हैं, तो देखिए इनमें ये कलियाँ कितनी सुंदर हैं, 2 फ्लावर खिल भी चुके हैं इसके। और अभी बीच में जब से मैंने ये फर्टिलाइज़र डाला है, पहले फ्लावरिंग करता था, लेकिन जो 1 माह से इधर गर्मी पड़ी है तो इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग रुक गई थी, पत्ते जल गए थे इसके और झड़ से गए थे। लेकिन मैंने 2 बार जले ली फर्टिलाइज़र डाला और खुले आसमान से नीचे मैंने पोर्च में रख दिया, तो देखिए वाइट कलर का है, इसमें ढेर सारी कलियां बनी हैं, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा हुई है, और बिल्कुल ये कलियों से, यहाँ से आप देखिए ये बिल्कुल कलियों से यहाँ से एकदम गुथा हुआ है, और इसकी देखिए कितना घना पौधा हो गया है, ये आप देखिए इसकी ब्रांच, तो देखिए ये वाइट कलर का होता है और बिल्कुल भरा हुआ है, इसमें भी कई सारे फूल खिल चुके हैं,
लेकिन टेम्परेचर होने के बाद ये बिल्कुल ऐसा सुस्त सा पड़ गया था, लग रहा था मैं अपने पौधे को नहीं बचा पाऊंगी। तो ये देखिए और रिजल्ट कितना अच्छा, घना कितना अच्छा है। तो दोस्तों मैंने दो फर्टिलाइजर वो डाले गोड़ा करके, जब भी मैं डालती हूँ तो हल्का गोड़ा कर लेती हूँ और शाम के वक्त ही डालती हूँ, और साथ में पौधे का फोलियर स्प्रे करती हूँ पानी का। तो और पत्तों में कोई इस समय फर्टिलाइजर के स्प्रे नहीं करते हैं, गर्मी कारण की लगता है पौधे जल ना जाए। सिर्फ मैं पानी का फोलियर स्प्रे शाम के वक्त देती हूँ और गोड़ा करके जो लिक्विड मैंने बनाना पील फर्टिलाइजर का एंजाइम डाला है, 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन, और ये जो मैंने बनाना पील, मस्क मिलन पील और वाटर मिलन, इन तीनों का लिक्विड मैंने गुड़ और दही डाल के बनाया था, उसका इतना अच्छा रिजल्ट है। तो ये दो फर्टिलाइजर जो बनाना पील एंजाइम है और बनाना पील मस्क मिलन, इनका जो दही डाल के मैंने फर्टिलाइजर बनाया है, 8-8 दिन के अंतराल में मैं डालती रहती हूँ पौधे में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती हूँ क्योंकि ये ठंडे भी होते हैं और मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं और फल फूलों से भर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होता है पौधे की अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए, बेस्ट रिजल्ट आता है। आप खुद देख सकते हैं, मेरे पौधे को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल कलियों और फूलों से एकदम से भर गया है, जो लग रहा था पौधा बिल्कुल जल जाएगा। और दूसरी ये है कि डायरेक्ट धूप से बचाएं, कोशिश ये करें, क्योंकि हम कोशिश तो कर सकते हैं, बाकी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि उससे कितना भी फर्टिलाइजर डालो, कितना भी क्लियर करो, डायरेक्ट धूप में अगर पौधा रखा है तो हाईब्रिड का बिल्कुल, देसी तो चल जाता है लेकिन हाईब्रिड को संभालना मुश्किल हो जाता है, कलियां बिल्कुल झड़ ही झड़ जाएंगी। अगर आप फर्टिलाइजर देंगे बनेंगे तो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाएगा। तो इसलिए हो सके तो गर्मी की 4 घंटे की ही धूप दें और उसको बचाएं, ऐसी जगह पर रखें किसी दीवार के सहारे या किसी ऐसे पौधे के नीचे कि जो बिल्कुल डायरेक्ट धूप ना लगे। तो देखिए ये पौधा मेरा कितना अच्छा है जो मैंने धूप से हटा लिया और ठंडी फर्टिलाइजर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, अगली जानकारी के साथ फिर।